आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ। अयोध्या जनपद के विकास खंड तारुण स्थित जाना बाजार के रामलीला मैदान स्थित भव्य विराट मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन खपराडीह स्टेट के राजा कुमार आनंद सिंह द्वारा किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दरअसल नव निर्मित मंदिर की 1 फरवरी से प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें प्रकांड विद्वान पंडित देव कुमार शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा था। तो वहीं 2 फरवरी को रथ यात्रा को जाना बाजार के आसपास क्षेत्रों में भ्रमण कराया गया। इस पश्चात हवन पूजन के बाद मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि 1945 से जाना बाजार रामलीला मैदान में क्षेत्रीय लोगों का बाजार वासियों द्वारा रामलीला का मंचन अनवरत किया जा रहा है। रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन कराते हुए खपराडी के उस समय के राजा अखंड प्रताप सिंह द्वारा समिति को लोहरा के बाग के नाम से जमीन भी दान दी गई थी, जिस पर अनवरत रामलीला का मंचन हर वर्ष क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा होता चला रहा है। इस भव्य मंदिर का निर्माण होने से आसपास के हिंदू समाज के हजारों श्रद्धालुओं में अपार खुशी देखी जा रही है। पूर्वजों ने हमारा ये धरोहर रामलीला चलती थी, इसको चलाने में भी असमर्थ हुआ और 1947 से लेकर वो कुछ नहीं भये। अब ये जो मंदिर का निर्माण हुआ तो 1912 में मैं अंशकालीन प्रबंधक हुआ। मेरे जमाने में ही इस जमीन का उत्पीड़न शुरू किया, इसमें खेतौनी बैठा लिए जो राजा साहब के भी संज्ञान में नहीं थी। हमने राजा साहब से पूछा कि आप रामलीला समिति को 5 एकड़ दान दिए हैं कि बाजार बसाने के लिए इसको दान दिए हैं। राजा ने कहा कि हमने रामलीला समिति को मेला लगवाने के लिए दान दिया हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को मैं वहाँ कुछ नहीं दिया हूँ। राजा साहब सीताराम जी मंत्री थे, राजा साहब के यहाँ के भी लोग जाकर वहाँ मिले। सीताराम निषाद मंत्री थे, तो सीताराम मंत्री जी ने भी इसमें सहयोग किया। ये रामलीला की जमीन है। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ।